जी आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर रेनबो केक। साथ में इसके हम बनाएंगे क्रीम चीज एंड व्हाइट चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग। चीजें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए जो केक के लिए चीजें वो आपको चाहिए इसके लिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा जो सादा होता है, चीनी यानी कि शुगर, और आपको चाहिए होंगे एग वाइट्स। जो जर्दी है उसको डिस्कार्ड मत कीजिएगा, किसी और चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंडे में जो हमें सिर्फ चाहिए वो सफ़ेदी होगी, वनीला एसेंस या एक्स्ट्रा जो आपके पास अवेलेबल है, थोड़ा सा बीच में जाएगा नमक यानी कि सॉल्ट, बेकिंग पाउडर बीच में जाएगा, मक्खन जाएगा, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो, और बीच में जाएगा इसमें दूध। केक क्योंकि रेनबो का है इसमें जो कलर्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दैट्स 6 कलर्स, ग्रीन होगा, रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल एंड ब्लू आपके पास जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 इंच फॉइल के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आज केक के पैंस जो हैं उन्हें मैंने पहले अच्छी तरह ग्रीस किया, पार्चमेंट पेपर लगाया और दोबारा अच्छी तरह ग्रीस कर लिया। ये एक साइड पर हो गया। जो इसकी हमने फ्रॉस्टिंग बनानी है उसके लिए हमें चाहिए क्रीम चीज़, वाइट जो बेकिंग की चॉकलेट होती है आपको इजिली सुपर स्टोर्स एसडा हुई टेस्को आपको इजिली मिल जाती है। आपको चाहिए इसके लिए पाउडर शुगर दैट्स आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट्स दोबारा चाहिए, बटर दोबारा रूम टेम्परेचर पे, सॉल्ट अनसॉल्टेड आपकी चॉइस है। डेकोरेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्टीज हो जाए या M&M जो आपके पास हैं। तो ये होगी चीज़ें। अवन को आप कर लेते हैं प्री हीट 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड, गैस मार्क ले लीजिएगा और उसमें आप डालेंगे जो के है आपका बेकिंग पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, और ये आपका चला गया प्लेन फ्लावर। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पहले आप छान लें और एक ड्राई चमचे के साथ में जो है इसे मिक्स कर कर एक साइड पर रख लें। क्या करना है, तमाम चीज़ों को छान करके एक साइड पर रख लेते हैं। उसके बाद आप लेंगे एक अलहदा बोल जिसमें आप ऐड करेंगे जो आपका बटर है रूम टेम्परेचर पर यानी कि मक्खन, और ये चलेगी बीच में चीनी दैट्स शुगर, और इसे अच्छी तरह आप बीट करेंगे जब तक कि ये लाइट और फ्लफी हो जाए और दोनों चीज़ें बिल्कुल एक जान हो जाए। देख लें परफेक्टली चीनी और मक्खन जो है मिक्स हो गया हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने एकदम से तमाम अंडे के जो सफ़ेदी उसको बीच में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आप यूँ डालेंगे और आप इसको बीट करते चले। आस्ता सफ़ेदी देखें इसके अंदर में जो बीटिंग का है कोई इतना खास नहीं, सिर्फ इतना आपने इसको बीट करना था। चले आपको टाइम दे देते हैं 2 मिनट दे दें ताकि जो अंडे की सफ़ेदी आप आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे हैं वो तमाम चीनी और मक्खन के साथ मिक्स हो जाती है। यहाँ पर अब हम डालेंगे इसमें जो वनीला एसेंस हमारे पास है और जो मैदा, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट का जो मिक्सचर है चमचे से हमने मिक्स कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसमें अब डालेंगे तकरीबन 2 से 3 चमचे भरकर इस तरह। उसके बाद आप डालेंगे इसमें थोड़ा सा दूध और आप इसको बीट करेंगे। उसके बाद जब ये अच्छी तरह तमाम चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी आप देखेंगे इक्वली मिक्सअप हो गई है बीटर के साथ में, इलेक्ट्रिक बीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आप दोबारा मैदा डालेंगे और बाकी का दूध, और इसी तरीके से जो है हमारा बैटर तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से आपने रिपीट करना है, पहले से बीट कर लिए, हो गया बीट परफेक्टली, तमाम चीज़ें कंबाइन होगी, बाकी का जो रिमेनिंग मैदा का मिक्सचर है वो डाल दिया और बाकी का बचा हुआ दूध, और इसे भी अच्छी तरह बीट कर लें ताकि तमाम चीज़ें मिक्स। बैटर हो चुका है परफेक्टली हमारे केक का तैयार। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको बहुत दफ़ा बताया है कि आप लोग मेजरिंग कप्स खरीद लें, बहुत दफ़ा आप पूछते हैं, आपको काफ़ी वीडियोस में दिखाया भी है, तो आज मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा रही हूँ कि ये मेजरिंग कप्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप ये वाला कप भर के 6 इक्वल बोल्स में आप डाल लीजिएगा, और अगर बचेगा तो फिर आप उसको इक्वली दोबारा इन्हीं 6 बोल्स में डालेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कलर्स में किस तरह ऐड। यहाँ पर देख लें 6 इक्वली आपने बोल्स के अंदर में बैटर को अलहदा कर लेना है। उसके बाद आप डालेंगे इसमें जो कलर है, कलर जेल डाल लें, पाउडर डाल लें, लिक्विड जो आपके पास अवेलेबल है वो आप आराम से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं येलो, तो आप 1 टीस्पून लेंगे और जितना आपको कलरफुल चाहिए हर बोल के लिए आपको अलहदा चमचा इस्तेमाल करना होगा वरना कलर मिक्सअप हो जाएंगे। तो जितना आपको कलर ब्राइट चाहिए उतना आप ऐड कर लें और तमाम को इसी तरह आपने मिक्स कर लें। देख लें कलर्स हमारे हो गए, अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और जितना आपको कलर ब्राइट चाहिए केक का आप उतना रंग डाल सकते हैं। वो वजह ये होती है केक जब बेक होता है तो उसका काफ़ी जो होता है कलर लाइट भी हो जाता है, तो इट डिपेंड्स अगर आपको डार्क चाहिए या लाइट वो आपकी अपनी मर्जी पर है। अब आप क्या करेंगे, जो हमारे ग्रीस पैन्स हैं उनमें आप एक एक करके इनके आप डालेंगे ईच जो आपने कलर डाला है आप एक अलहदा टिन में डालेंगे। तो सबसे पहले इसे डाल लें और मेक श्योर कीजिएगा कि जैसे जैसे आप केक ऐड करते हैं टिन के अंदर में प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप सेम चमचा या सेम स्पैचुला ना इस्तेमाल कीजिएगा वरना उसमें दूसरे कलर्स भी आ जाएंगे। तो इसको इक्वली स्प्रेड कर लेते हैं और इस तरह ही बाकी के भी जो हैं टिन्स हम क्या, आपने बैटर को इक्वली बीच में डाल लेना है और उठा करके आप इसको हल्का सा यूँ
फेंकते हैं जमीन पर, यानी कि हल्का सा टेबल पे सरफेस पर ब्रश करते हैं, तो उससे ये होता है कि जो केक ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा सा बैटर है वो इक्वली स्प्रेड आउट हो जाता है। तो ये तमाम हो गए तैयार। अब क्योंकि मेरे पास अवन छोटा है, मैं इसमें एक एक करके इन्हें बनाऊंगी। तो अगर आपके पास बड़ा अवन है तो आप बेशक दो दो करके भी इसके बना सकते हैं बैचेस। तो अब ये है कि एक एक करके डालते हैं और 12 से 15 मिनट यानी कि 12 से 15 मिनट्स लगेंगे ईच केक को बेक होते। और आप क्या करेंगे, 12 मिनट के बाद अब इसमें हल्की सी कोई भी टूथपिक या कोई छुरी के साथ में पोक करके देखें, साफ निकलती आपका केक तैयार है। आप उन्हें बाहर निकालते चले जाएं और तमाम को इसी तरह बेक कर लें कि केक्स सारे के सारे जो हैं बेक हो चुके हैं। कुछ आप देख रहे हैं फ्लैट है, कुछ थोड़े से जो हैं उनकी जो है हाइट ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि उसमें बैटर ज़्यादा चला गया था। और कोई इशू नहीं है, अगर आपको उसको असेंबल करते हुए कोई प्रॉब्लम हो तो बेशक हल्का सा जो है इसे आप काट भी सकते हैं ऊपर से, तो वो आपको दिखा देंगे, लेकिन वरना जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो उसको इस तरीके से बनाऊंगी, आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे आगे। यहाँ पर आप देख लें परफेक्टली केक डन हो चुके हैं तमाम। अब इन्हें बिल्कुल ठंडा हो जाने दें और उसके बाद इसकी आइसिंग की तैयारी करें। इसे केक ठंडा होता है, आप उसे निकाल करके ईजिली वो बाहर स्लिप आउट हो जाता है। और ये देख लें जो हमने नीचे बटर पेपर या पार्चमेंट पर जो भी लगाया हुआ है, ये आसानी से यूं रिमूव कर लेते हैं और इसको ज़रा थोड़ा और ठंडा हो जाने दें। सो चुका है बिल्कुल हमारे तमाम ठंडे। यहाँ पर आप देख लें डबल ब्रॉयलर है, नीचे पानी गर्म हो रहा है, इस पर आप रखते हैं जो आपका बोल है, नीचे फ्लेम आप रखते हैं मीडियम पर और आप इसको तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि आपकी चॉकलेट के पीसेस तमाम जो हैं मेल्ट हो जाने चाहिए, स्मूथ हो जाना चाहिए। चॉकलेट भी हमारी जो है परफेक्टली हो चुकी है मेल्ट। अब हम करते हैं दूसरा स्टेज जो हमने इसकी फ्रॉस्टिंग का बोल लेंगे। उसमें हमने डाल लिया क्रीम चीज़ और जो चॉकलेट है उसे थोड़ा सा आपने ठंडा होने देना है, क्योंकि आपको पता है मक्खन के अंदर अगर गर्म चीज़ ऐड करेंगे तो आपका जो फ्रॉस्टिंग है वो सही सेटल नहीं होगी। उसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तब तक हम इसको बीट कर लेते हैं। बीच में चला गया क्रीम चीज़, मक्खन और वनीला एसेंस, इसको बीट करें जब तक कि तमाम चीज़ें जो है अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। परफेक्टली मिक्सअप हो गया, उसके बाद आप बीच में ऐड करते हैं जो कि आपकी पाउडर्ड शुगर है, आइसिंग शुगर, इसे डाल लें और दोबारा इसे अच्छी तरह बीट कर लेते हैं जब तक कि तमाम चीज़ें एक जान हो। परफेक्टली तमाम चीज़ें होगी मिक्स। उसके बाद हमारी जो मेल्टेड चॉकलेट है इसे ज़रा थोड़ा ठंडा कर लिया था, फ्रिज में मत रखिएगा प्लीज़, ये एकदम से जो है हार्ड हो जाती है, तो अब इसे ऐड कर लेते हैं और इसे भी इसके साथ में अच्छी तरह बीट कर लेते हैं जी। यहाँ पर हमारी जो है टॉपिंग भी जो अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर ली हुई है। अब आपने क्या करना है, जिस भी प्लेट पे आपने सर्व करना है, सबको हमेशा कहती हूँ क्योंकि केक्स हैवी हो जाते हैं, उस पर आप रख लेते हैं। सबसे पहले नीचे जाएगा पर्पल कलर और उस पर आप जो है यहाँ पर अच्छी तरह जो है पहले आइसिंग लगा लें। आइसिंग लगा लेने के बाद जो नीचे का हिस्सा होता है वो आप हमेशा ऊपर रखिएगा और जो ऊपर का होता है उसे नीचे, बड़ा खूबसूरत तरीके से ये बन जाता है। फिर उसके बाद आप उसको हल्का सा जो है यूँ प्रेस करते हैं, बेशक साइड पर क्रीम आ जाएगी, नॉट एन इश्यू, क्योंकि हमने इसको पूरा ऑल द वे कवर करना है। तो ये करने से मकसद ये होता है कि उसका बैलेंस एक होता है, देख रहे हैं साइड से जो है क्रीम निकलनी शुरू हो चुकी हुई है। उसके बाद दोबारा इसी तरह आप इस पर भी आइसिंग लगाएंगे और तमाम केक इसी तरह आप लगाते चले जाएंगे। आपकी मर्जी पहले कलर आपने कौन सा लगाना है, तो जो है पहले तमाम को यूं ही लिए आइसिंग लगाते चले गए और केक के जो हैं एक दूसरे के ऊपर पाइल कर दिया। अब सबसे एंड पर मैंने रेड रख दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, क्रीम इसके ऊपर और इसकी साइडों पर इवनली लगाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि इसकी डेकोरेशन किस तरह होगी। तो परेशान ना होइएगा, यूं करें साइड पर आ जाएं, क्योंकि प्रेस डाउन करने से काफ़ी जो है साइड से भी क्रीम निकली हुई, उससे पहले आप निकलकर आइसिंग तमाम अंदर और बाहर तवार जगह लग चुकी हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्मार्टीज, आपके पास अगर M&M है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर्स मैंने उसके अलहदा कर लिए थे, अब आपका जिसा दिल चाहे आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले पर्पल के साथ में और फिर जैसा कलर हमें पसंद आएगा हम वैसे वैसे आगे लगाते चले जाएंगे। इसी के से आप स्मार्टीज को अरेंज कर सकते हैं, स्प्रिंकल्स लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। थोड़ा सा क्रिएशन है, डेकोरेशन हो जाती है, बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है कि यूं ये तैयार हो जाता है, तो आपको एक स्लाइस भी काट करके दिखा देते हैं। ये रहा आपका कटा हुआ रेनबो केक, जरूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट जिसको quickfaiza.net पर। बनाइए, ताई को कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।